चाहेंगे कि श्याम जी इसमें एक कंक्लूडिंग रिमार्क दें, फिर उसके बाद हम इस डिबेट को समाप्त करें। सो बहुत बहुत कष्ट में डाल दिया सुप्रकाश जी आपने क्योंकि हमने इस 50 मिनट में इतनी सारे बातें की, बहुत सी चीज़ें जो समाज में सही करनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में भी बात किया, लेकिन प्रमुखता से तीन चीज़ों के बारे में मैं कहना चाहूँगा। एक, मियां बीवी के बीच कानून का घुसना, ये जो चीज़ है ये थोड़ा आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रही है। जो संबंध प्रेम से बनते हैं, जो रिश्ते विश्वास के होते हैं, वहाँ पे सिर्फ विश्वास, प्रेम और समर्पण, इन भावनाओं से जीवन को जिया जाता है। जब इन भावनाओं में किसी भी तरह की कुंठता आ जाती है तो उन संबंधों को मर्यादा पूर्वक विच्छेद कर देना, खत्म कर देना, ये इंसानियत होती है और एक समझदार इंसान का लक्षण होता है। इसको घृणा में तब्दील करके अपने द्वेष की भावना को चरम सीमा तक ले जाना और उस द्वेष की भावनाओं में अपने आप को जला देना, अपने परिवार को जला देना, समाज में असमर्थता, समाज में बहुत सारा कियोस पैदा कर देना, ये किसी भी इंसान के लिए सही नहीं है। ये मेरी पहली बात है। दूसरी बात, जो मेंटेनेंस की बात की गई, मेंटेन अपनों को नहीं किया जाता, ये अगर हम समझ लें तो सब कुछ सीधा, बहुत कुछ सरल हो जाता है। जब मेंटेनेंस की बात आती है और सिर्फ पैसे की बात आती है, और अगर भावनाएं सही नहीं है, अगर प्रेम नहीं है, और इसमें अगर पैसे के लिए लड़ाई हो रही है, तो ये सिर्फ पैसे के प्रति प्रेम को दिखाता है, ना कि असमर्थता को या फिर किसी इवेंट को या विक्टिमहुड को जताता है। ये सिर्फ पैसे के प्रति अपनी लालसा को बताता है। अगर प्रेम है तो मेंटेनेंस नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कस्टोडियन, पेरेंट्स, गार्डियनशिप और बच्चों के प्रति, ये वर्ड जो कस्टडी वाला है, ये वर्ड ही बच्चों के लिए बहुत शर्मनाक है। हम जिस माहौल में पले बड़े, उस माहौल में सिर्फ हमने माता पिता के प्रेम को देखा, माता पिता के सद्भाव को देखा, माता पिता के अपने आप के समर्पण को देखा। जब लड़ाई चलती है तो प्रेम नहीं होता, जब लड़ाई चलती है सद्भावना नहीं होती, जब लड़ाई चलती है संपूर्णता नहीं होती, और जब लड़ाई चलती है वहाँ पे सिर्फ रक्त बहता है, किसी का सर कलम होता है और किसी का दिल टूटता है, बस रक्त बहता है। और किसी का भी कुछ भी हो इस लड़ाई में, रक्त सिर्फ बच्चों के हृदय का बहता है। कस्टोडियन पेरेंट्स के ऊपर डबल जवाबदारी है कि वो अपने आप को एक अच्छे पिता या माँ साबित करें। जो बच्चा है उस बच्चे के जन्म को तिरस्कार ना करें, क्योंकि उनके उस वो बच्चा जिस पिता से या माँ से जन्मा है, अगर उनके प्रति उन्हें रिस्पेक्ट नहीं है तो एक तौर से वो उस बच्चे के तरफ भी इररिस्पेक्ट दिखा रहा है, उस बच्चे के तरफ किसी ना किसी तरीके से अपनी घृणा को, अपने द्वेष को जता रहे हैं। तो बस इतना कहना है कि जो कस्टोडियन पेरेंट्स हैं उनके प्रति ज़्यादा जिम्मेदारी है, उनके प्रति ज़्यादा सूझबूझ, समझ और अपने बच्चों को सही रास्ता, सही दिशा दिखाने की जवाबदारी है, जो वो
परिपूर्णता से करें। और मेरी ये प्रार्थना है कि भगवान सभी को सद्बुद्धि दे और ये सब सोचने की और समझने की शक्ति दे। वैसे तो कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है ये तो बढ़ी रहा है, लेकिन एक ज़रूरी है कि इस पैंडेमिक में शरीर के छल्ली होने को सुधारा जा सकता है, दिल के टूटने को कभी जमाया नहीं जा सकता। तो परिवार में जो विच्छेदन हो रहे हैं ये भी किसी वायरस से कम नहीं है। जो भी लोग इस बात को समझते हैं, जो भी लोग इस बात से सहमति रखते हैं, उनसे सिर्फ इतनी विनती है कि वो लोग इस बात को फैलाएं, इस बात को लोगों के प्रति जागृत करें और ये बताएं कि वायलेंस में कोई लिंग नहीं होता, वायलेंस कभी डोमेस्टिक नहीं होता, वायलेंस वायलेंस होता है, ना तो उसके साथ कोई जेंडर होता है, ना कोई कम्युनिटी होती है, ना कोई कास्ट होता है। तो इस तरह की द्वेष की भावनाओं को समाज में बढ़ने से रोकें, प्रेम बढ़ाएं, विश्वास को बढ़ाएं, समाज को पिता रहित होने से बचाएं। बहुत अच्छा मैसेज दिया, वेरी गुड, वेरी नाइस मैसेज, थैंक्स अ लॉट फॉर पासिंग दिस मैसेज। तो जेंटलमैन, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 1 hour and 3 minutes, सो इट्स अ वेरी मीनिंगफुल डिबेट आई वुड से। सो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस डिबेट, वी विल कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ डिस्कशंस इन फ्यूचर आल्सो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बिल्कुल, थैंक यू, बाय बाय। Bye.